शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Ladies and gentlemen, your attention please. रमाकांत सहाय को कौन नहीं जानता? बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इस देश के, किंग मेकर। अरे लाखों रुपया चंदा देते हैं इलेक्शंस में और सूद समेत वसूल भी करते हैं। और आज ये बहुत बड़ा कारनामा करके आए हैं, एक बेचारी मजलूम औरत और उसकी विधवा बहू पर इनके गुंडों ने हमला किया। और कसूर? लेडीज एंड जेंटलमैन, इनका बेटा उस लड़की से शादी करना चाहता है। राजा, आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं। खूब जगह चुनी है, सबके सामने मुझे रुसवा कर रहे हो। ये बात घर पे भी हो सकती थी। घर? घर का मतलब समझते हैं आप? अरे आप तो लोगों के बसे हुए घर उजाड़ते हैं। राजा ये मत भूलो, तुम अपने बाप की बेइज्जती कर रहे हो। अगर आप बाप का मतलब समझते ना तो अपने बेटे की खुशियां ना उजाड़ते। तुम हद से गुजर रहे हो राजा, तुम ये बेजा हरकत कर सकते हो? आखिर पानी की बुलबुले की उम्र क्या होती है? तुम्हारा ये बाप रमाकांत सहाय जिंदगियां बनाता है और जिंदगियां उजाड़ता है। अरे तो आज से मैं इस बाप बेटे के रिश्ते को ही खत्म करता हूँ। ये सब गवाह है। अरे ठोकर मारता हूँ ठोकर तुम्हारे इस नाम दौलत और शरत को। और एक बात और याद रखना कि आज के बाद अगर किसी ने उस घर की तरफ नजर उठाकर भी देखा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, रमाकांत सहाय। मैं सब कुछ छोड़ आया हूं मां, सब कुछ छोड़ आया हूं मैं, वो दुनिया ही छोड़ आया हूं मैं, वो नाम, वो दौलत, वो जायदाद, वो पाप, सब कुछ छोड़कर तेरे पास आ गया हूं मां। मैं तुझसे काजल की भीख मांग रहा हूं। लेकिन बेटा जानते हो काजल तो? जानता हूं माँ जी, लेकिन इसमें काजल का क्या कसूर है कि वो एक विधवा है? अरे अगर दोष देना है ना माँ जी तो उस भगवान को दो। ये सब जानते हुए भी? माँ जी। पर बेटा वो मुझे काजल दे दे माँ, मैं जमाने भर की सारी खुशियां समेट कर उसकी जिंदगी आबाद करना चाहता हूं बस। मैंने प्यार किया है माँ, प्यार किया है मैंने। मैं काजल के बगैर रह नहीं सकता माँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मुझे काजल दे दे माँ, मैं तुझसे काजल की भीख मांगने आया हूं। काजल तुझे दे दे माँ। बेटी, मैं अपनी जिंदगी काट चुकी हूं, अपने हिस्से के दुख सह चुकी हूं, अब और कितने दिनों तक जिंदा रहूंगी? कौन मां अपनी बहू से कहेगी कि उसके बेटे की यादों को भुला दे? हां काजल, मैं कह रही हूं तुझे पहाड़ जैसी जिंदगी काटनी है। तूने देखी है ना, इस छोटी सी जिंदगी में देखी है ना, या तपती दोपहर में भेड़िए घूमते हैं, हर मर्द मौके की तलाश में है, हाथ लगाए बैठा है कि कहीं कोई औरत अकेली मिल जाए उसे। राजा यहां फरिश्ते की तरह आया है बेटी, उसने इस घर में बेटे की तरह कदम रखा है और वो तुझसे प्यार करता है। ये जमाना बहुत बुरा है बेटी, ये तुझे जीने नहीं देगा। इसे तो सीता मां को नहीं बख्शा और तू तो बेटी। काजल माँ कट जाएगी जिंदगी उनकी यादों के सहारे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती माँ जी, मुझे उनकी यादों से तो अलग ना करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी माँ जी, मैं मर जाऊंगी। बस कर,
जब भी मैं तुझे इस सफेद लिबास में देखती हूँ तो मुझे अपने कोख के उजड़ जाने का एहसास होता है। अगर मैं तिलकिल मर के जी रही हूँ तो तेरी खातिर, लेकिन मैं हमेशा तो तेरे साथ नहीं रहूंगी। और आज ये लड़का आया है अपना सब कुछ छोड़कर, सारी दुनिया से बगावत करके तेरी दुनिया आबाद करने, और तू कह रही है कि तू ये शादी नहीं करेगी। तुझे ये शादी करनी होगी मेरी खातिर, मेरी ममता की खातिर। अगर तू ये शादी नहीं करेगी तो अपनी माँ का मरा मुंह देखेगी। राजा आगे बढ़, इससे पहले कि ये समाज अपने घिसे पिटे रीत रिवाजों से कोई रुकावट डाले, भर दे इस मासूम की मांग। मैं कहती हूँ बेटा, भर दे इसकी मांग। काजल, तुम ही मेरा पहला और आखिरी प्यार हो काजल। ना तुमसे पहले मैंने किसे मोहब्बत की है और ना तुम्हारे बात करूंगा। जिंदगी का हर एक पल तुम्हारा है। मैंने अपने अपने दिल की हर एक धड़कन तुम्हारे नाम कर दी है। मगर मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में किसी और की यादों का बसेरा है, और ये सौगात सिर्फ दो जिस्मों का ही नहीं, दो आत्माओं का मिलन होती है। और जब तक मैं तुम्हारे दिल में अपनी चाहत के रंग ना भर दूं, मैं तुम्हें छूंगा तक नहीं। कैसी लगी हमारी मोटे? छोड़ ना यार, काय को तंग करते गरीब आदमी को। गरीब आदमी, गरीब की सूरत तो देखो, सुभान अल्लाह। हाथ नहीं लगाना, अब हम घर घर श्री वाले हो गए। अब तो मेरी एक बीवी है, माँ है, दुनिया में सबसे अच्छी माँ। उनके लिए कुछ कमाना भी तो पड़ेगा ना। अरे यार, तुम लोग तो जानते ही हो, मुझे कुछ काम काज तो आता ही नहीं। अरे यार, मेरा मतलब है कि अगर... मतलब छोड़ यार, मैं बोलता मैन, मेरे डैडी का एक गैराज है जो कब से बंद पड़ेला है, हम सब फ्रेंड लोग मिलकर उसे खोलते हैं। जान मेरी, पहले हम गाड़ी तोड़ा करते थे, अब जोड़ेंगे। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे मेरा बेटा। चार चम्मच भर कर डालिए चीनी। वो तो लग रहा है। अरे
कोई लॉटरी लग गई है क्या तेरी? मेरी लॉटरी तो तू है माम। ये देख 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 देख, देख तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। कैसा लगता हूँ? माम मेरी ये साड़ी वगैरह में चॉइस तो है नहीं, तो जैसी मिली वैसी ले आया। और ये मेरी पहली कमाई। तेरी पहली कमाई मेरे लिए? मेरी पहली कमाई मेरी प्यारी सी माँ के लिए। तूने माँ की उजड़ी हुई गोद भर दी है मेरे लाल। भगवान तेरी कमाई को बरकत दे। बस माँ तू उसी तेरा सर पे हाथ रख कर आशीर्वाद दिए जा, और फिर देखना तेरा बेटा जमाने भर की खुशियां लाकर तेरे कदमों में डाल देगा। शर्मा जी। देवेंद्र प्रताप जी आप? आइए आइए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। शहर आया था, सोचा कि आपसे मिलता चलो, आखिर आप हमारे खानदान के पुराने सॉलिसिटर जो ठहरे। शुक्रिया इस गरीब को याद किया। कहिए क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? शर्मा जी ऐसा लगता है अब तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। क्यों, ऐसा क्या हुआ? हाई कोर्ट ने लक्ष्मी देवी के उस वसीयतनामे को मानने से इनकार कर दिया है जिसमें उन्होंने अपनी आधी जायदाद मेरे बेटे के नाम लिख दी थी। अब मेरा बेटा तो रहा नहीं और दूसरा कोई वाली वारिस भी नहीं बचा है। अब सारी जायदाद मेरे नाम करने में आपकी सरकार को पता नहीं क्यों तकलीफ हो रही है। दरअसल बात यह है धीरेन्द्र जी कि अदालत का सारा कारोबार सबूत पर चलता है और आज तक लक्ष्मी देवी, रवि और काजल की लाशें बरामद नहीं हुई है। यानी आप यह चाहते हैं कि मैं उन तीनों की लाशों को ढोकर अदालत के सामने पेश करूं? और अब तक तो उन लाशों को चील कौवे भी खा चुके होंगे शर्मा जी। आप ठीक कहते हैं लेकिन सरकार को तो सबूत चाहिए। अगर मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि वो मर गए हैं तो अदालत के पास क्या सबूत है कि वो जिंदा है? सबूत सबूत तो एक है, कुछ कच्चा पक्का सा। शर्मा जी जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? मरे हुए लोगों को जिंदा कर रहे हैं आप। आप मुझे गलत ना समझें। ये देखिए लक्ष्मी देवी ने अपनी मौत से पहले एक नई वसीयत तैयार की थी जिसके मुताबिक उन्होंने अपनी सारी जायदाद अपनी बहू और उसके होने वाले बच्चे के नाम कर दी है। ये तो नकल है, असली कागजात तो अदालत में जमा है और अगर 6 महीने तक कोई सबूत नहीं मिला तो सरकार सारी जायदाद जब्त कर लेगी। आधी बात तो आपने बता दी शर्मा जी। और आधी आप पता कर लीजिए।